कानपुर में स्ट्रीट वेंडर समिति की संयोजिका आभा चतुर्वेदी अपने समिति के पदाधिकारियों के साथ नगर निगम पहुंची, जहां पर उन्होंने नगर निगम प्रशासन पर आरोप लगाते हुए जमकर हंगामा काटा। उनका आरोप है कि 2017 में आए स्ट्रीट वेंडर अधिनियम में 60 और 40 की सहभागिता का स्पष्ट उल्लेख है, लेकिन बीते साल से शहर के कई क्षेत्रों में स्ट्रीट फूड वेंडिंग आउटलेट बनाए जा रहे हैं, लेकिन टीवीसी कमेटी को दरकिनार कर दिया गया है। हमारी कहीं भी कोई सुनवाई नहीं हो रही है। कानपुर में बीते दिनों नाबालिग छात्रों के द्वारा उनके वाहनों से कई घटनाएं घट चुकी हैं। उसी को लेकर अब कमिश्नरेट पुलिस ने शहर के जितने भी स्कूल हैं उसमें एक प्रोग्राम के तहत सभी बच्चों को सजेस्ट किया और समझाया कि नाबालिग बच्चे कोई भी मोटरसाइकिल, स्कूटी और चापहिया वाहन ना चलाएं जब तक वो 18 साल के नहीं हो जाते। अगर फिर भी ऐसा होता है तो उनके खिलाफ कड़ी कानूनी कार्रवाई की जाएगी। हरिद्वार में कांवड़ मेले की समाप्ति के बाद अब इसकी चुनौतियों को लेकर प्रशासन अपनी जोर आजमाइश में जुट गया है। इस बार मेले के दौरान पुलिस और कांवड़ियों की झड़प और पार्किंग मेला प्रशासन के लिए सिरदर्द रहा। अगले मेले के लिए इसके समाधान ढूंढने में प्रशासन जुट गया है। पौड़ी जिले के प्रदेश के कैबिनेट मंत्री सतपाल महाराज आयोजित एक कार्यक्रम में पहुंचे, जहां उन्होंने पोखरा रेंज में लोक पर्व हरेला पर उनके द्वारा वृक्षारोपण भी किया गया और अपने विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत कार्यालय भवन और टाइप 3 भवन के नवनिर्माण कार्य सहित लगभग 4 करोड़ रुपए की योजनाओं की सौगात दी। हरिद्वार प्रेस क्लब में ज्वालापुर विधायक रवि बहादुर ने कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं के साथ पत्रकार वार्ता करते हुए बताया कि भाजपा सरकार द्वारा हरिद्वार में प्रस्तावित कॉरिडोर और हेरिटेज योजना से यहां के आम जनता का भय की स्थिति में है। विधायक का आरोप है कि भाजपा नगर विधायक हरिद्वार को हेरिटेज सिटी बनाने की बात करते हैं तो मुख्यमंत्री कॉरिडोर बनाने की बात करते हैं, मगर अभी तक स्थिति स्पष्ट नहीं है और ना ही अधिकारी इस मामले पर कुछ बताने को तैयार है। सरकार दिशाहीन है। बरेली कोतवाली क्षेत्र के अंतर्गत मठ चौकी के पास अचानक गोलियां चलने से अफरा तफरी मच गई। दरअसल स्कूल जा रही दो नाबालिग बहनों को रास्ता रोककर छेड़ा जाता है, फिर घर वालों के विरोध करने पर अपराधियों ने मठ चौकी के पास गोलियां दाग दी। गनीमत रही कि किसी को भी कोई हानि नहीं हुई है। पीड़ित परिवार के 3 लोग गंभीर रूप से घायल हुए हैं, जिन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया। वहीं गोलियां दागने वाले बदमाशों को तलाश किया जा रहा है। बदायूं के दातागंज थाना क्षेत्र में कांवड़ियों के साथ रास्ता रोककर दबंगों ने मारपीट की। गुस्साए कांवड़ियों ने रोड जाम किया और आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग पर अड़ गए। कांवड़ियों ने शराब के नशे में मारपीट करने का भी आरोप लगाया। इस मौके पर पहुंची पुलिस ने आरोपी की गिरफ्तारी का आश्वासन देकर कांवड़ियों को शांत कराया। नगर निगम और कानपुर विकास प्राधिकरण से कानपुर की आम जनता को हो रही समस्याओं को लेकर कांग्रेस के वरिष्ठ नेता भूदत्त नारायण मिश्रा ने नगर आयुक्त से मुलाकात कर उनको एक ज्ञापन सौंपा। उन्होंने बताया कि कानपुर में टैक्स को लेकर तमाम समस्याएं आ रही हैं, जिनका निस्तारण किया जाए। मुजफ्फरनगर में शिक्षा विभाग के अधिकारियों की बड़ी लापरवाही सामने आई है। बताते छुट्टी के बाद अध्यापक छोटे बच्चे को विद्यालय के अंदर ही बंद कर गए। परिजनों ने घंटों ढूंढा जिसके बाद बच्चा स्कूल में बंद मिला, जिसका वीडियो अब सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। बच्चे के परिजनों ने अध्यापकों के खिलाफ थाने में लिखित शिकायत की। BSE ने मामले का संज्ञान लेते हुए सहायक अध्यापिका राबिता को सस्पेंड कर दिया। बलरामपुर में देहात कोतवाली क्षेत्र में संदिग्ध परिस्थितियों में एक महिला का शव मिला है, जिसके मिलने से क्षेत्र में हड़कंप मच गया। सूचना के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा है। लखनऊ के जानकीपुरम विस्तार सेक्टर 3 में चोर ने ज्वेलरी शॉप का ताला तोड़कर चोरी करने की कोशिश की। ज्वेलरी शॉप का ताला न टूटने पर चोर वहां से फरार हो गया। चोर की यह सारी घटना CCTV कैमरे में कैद हो गई, जिसका वीडियो अब सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। अमरोहा में 2 मंजिला मकान अचानक भरभरा कर गिर पड़ा। मकान गिरने से इलाके में चीख पुकार मच गई। गनीमत रही कि कोई जनहानि नहीं हुई है। 2 मंजिला मकान में मेडिकल स्टोर का गोदाम बना रखा था। घटना की सूचना पर डिडौली पुलिस मौके पर पहुंची और जांच पड़ताल में जुटी। यूपी के फतेहपुर जिले में मलेरिया उन्मूलन के तहत मीडिया कार्यशाला का आयोजन किया गया। 10 अगस्त से मलेरिया मिटाओ अभियान के तहत आशा और आंगनवाड़ी घर घर पहुंचकर मलेरिया की दवा खिलाएंगी। मलेरिया अधिकारी और CMO ने मलेरिया रोग के लक्षण और बचाव के उपाय बताते हुए जन जन को दवा खाने की अपील की है।